आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र के बिन्नायगा गांव में सोमवार को फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना और प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले किया जा रहा है। संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि आवर क्षेत्र के जाजनी पटवार मंडल के 608 किसानों को 2020 में सोयाबीन की फसल में खराबे का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर संगठन में कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में मुआवजा राशि नहीं आई। सोमवार को मजबूर किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन के तत्वावधान में बिन्नायगा में धरना प्रदर्शन शुरू किया। दोपहर तक यहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। पगारिया थानाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद किसानों ने वित्त मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया। ज्ञापन में किसानों ने 3 दिनों में मुआवजे की मांग की है, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। खबर आपकी राजस्थान से, मनोज जैन की रिपोर्ट। ज्ञापन देकर उनकी मांग कर चुके, पर फिर भी उनको आज तक मुआवजा ना मिला। क्षेत्र में बिजली समस्याओं के लिए किसी को तेल नहीं मिल रहा है, किसी को डीपी नहीं मिल रही है। इस प्रकार की क्षेत्र में बैंक संबंधित, सरकारी संबंधित कई समस्याएं अति गंभीर चल रही है। श्रीमान से मैं विशेष आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द किसानों की समस्या 3 दिन में समाप्त करें, अन्यथा राष्ट्रीय किसान संगठन को भारी विरोध आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार, सीएम साहब अशोक सिंह गहलोत और जिला प्रशासन की है। जय भारत, जय।